बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बीफ स्टेक्स विद पेपर सॉस की रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपको इसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है। जब आप एक दफा इसको ट्राई करेंगे ना, तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि इसको आपने घर में बनाया है। हर कोई यही समझेगा कि आपने किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट से इसको मंगवाया है। तो आपने एक बार इसको जरूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बीफ स्टेक्स विद पेपर सॉस को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर काली मिर्चों को पीस लेना है, थोड़ा मोटा मोटा सा। इस रेसिपी में थोड़ी मोटी कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने का चम्मच काली मिर्चें ले ली हैं और इनको मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडर में या फिर किसी शॉपर में डाल के भी इसको कूट सकते हैं, लेकिन इसको इसी तरह से मोटा कूटा हुआ होना चाहिए। तो बस काली मिर्चों को मैंने कूट लिया, इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ के ना टुकड़े ले लिए, थोड़े नॉर्मल साइज के मैंने लिए हैं इस तरह से। आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज के भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको दरमियाना काट लिया। अब इसके ऊपर हम मैरिनेशन करेंगे नमक और काली मिर्चों की। तो पहले मैं एक साइड में थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दूंगी इस तरह से। नमक डालने के बाद जो हमने काली मिर्चें कूटी थी ना मोटी मोटी, वो डाल देंगे इसके ऊपर। इसका जो टेस्ट जो है ना, असल टेस्ट वो इसी काली मिर्चों का निकलेगा। और हमने ताजी पीसी हुई इसके अंदर डालनी है, और जब हम इसको मोटा कूटेंगे तो और भी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने साइड चेंज कर लिया। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से नमक लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा, काली मिर्चें लगा दूंगी इस तरह से। अब काली मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो दोनों साइड में मैंने काली मिर्च नमक अच्छी तरह से लगा दिया। तो बस आधे घंटे के लिए ना इनको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो आधा घंटा हो गया बीफ को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल का इस्तेमाल किया। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी बटर 1 खाने का चम्मच भरकर। और अब दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी, फिर एक एक करके इसके अंदर हम अपने बीफ के जो ये स्टेक्स है ना, वो डाल देंगे इस तरह से। अपर साइड में हम इसको पकाएंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए, और फ्लेम को अब मैं लो कर दूंगी और लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। और साथ साथ में जो है ना ऑयल भी इसके ऊपर इस तरह डालती जाऊंगी। तो 5 से 6 मिनट हो गए एक तरफ से इसको पकते हुए। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं इस तरह से। तो अच्छा, इसमें गोल्डन कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। अब दूसरी साइड से भी मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी, और साथ साथ ऑयल भी इसके ऊपर डालती जाऊंगी इस तरह से। तो टोटल इसको 12 से 13 मिनट लगे हैं। और ये देखिए हमारा बहुत ही जबरदस्त सा बीफ स्टेक्स तैयार हो गया है। तो बस अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। इनको निकाल के मैं एक तरफ रख दूंगी और उसी पैन में मैं 1 खाने का चम्मच बटर और ऐड कर रही हूँ। उसके बाद 1/2 खाने का चम्मच चॉप्ड गार्लिक मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे हम इसको। जैसे ही हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी ना लहसुन की, वैसे इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया, और इसको मैं लो फ्लेम में पकाऊंगी तब तक जब तक इसमें भीनी भीनी सी खुशबू नहीं आने लगती और इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ मैदे को। 1 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम में मैदे को पका लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और उसके बाद इसको भी मैं मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं यखनी ऐड कर रही हूँ, चिकन की यखनी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। आपके पास अगर ये मौजूद नहीं है ना, तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा दूध। तो मैं यहाँ पर 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी सारा दूध। ऐड करने के बाद अब इसको हम पकाएंगे लगातार चम्मच चलाते हुए, क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा ऐड किया है ना, वरना इसके अंदर लम्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। बस इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया। उसके बाद वर्सेस्टरशायर सॉस में डालूंगी 1 टीस्पून। अब इन दोनों चीजों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पकाऊंगी। इसको पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए मुझे, और ये देखिए सॉस जो है ना हमारी गाढ़ी हो गई है।
ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सी बनी है क्योंकि हमने इसमें लगातार चम्मच चलाया। तो सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने दूसरा पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर मैं डाल दूंगी मिक्स वेजिटेबल्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फूल गोभी लिया, गाजर लिया, शिमला मिर्च लिया और आलू ले लिया। आलू को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था पहले। अब काली मिर्च और नमक डालूंगी ऊपर थोड़ा सा और इसको मैं स्टर फ्राई कर लूंगी। ये देखिए बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है कि इसमें हल्का हल्का सा कलर आ जाए। तो सब्जियां भी हमारी फ्राई हो गई हैं, तो आइए हम अपनी बीफ स्टेक्स को प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस सी बीफ स्टेक्स विद पेपर सॉस बनके तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये जरूर पसंद आएगा। स्पेशली अगर आप गेस्ट के आगे इसको सर्व करेंगे ना, तो वो तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये आपने घर में बनाया है। तो जरूर आपने ट्राई करना, मुझे फीडबैक में बताना है आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफा मेरे चैनल पर आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।